दोस्तों, कैंसर एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है हमारी सोसाइटी में। अक्सर देखने को मिल जाती है, किसी न किसी के बारे में हम लोग सुन लेते हैं कि उनको कैंसर हो गया। कैंसर के लिए मैंने अलग से काफ़ी कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, आगे भी कुछ वीडियोस मैं और भी लेके आऊँगा कैंसर के बारे में, जिसमें आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कैंसर में स्पेशली काम में आने वाली होम्योपैथी एक चमत्कारिक दवा, जिसका कि नाम है कार्सिनोसिनम। आज मैं आपको बताऊँगा कार्सिनोसिनम के बारे में, जो कि एक नोसोड है और कैंसर सेल से बनती है। और यह जो कार्सिनोसिनम है, यह कैंसर की रोकथाम में काफ़ी हेल्प करती है और उसके रिकरेंस को भी रोकने में काफ़ी मददगार साबित होती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जहांगीर होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कार्सिनोसिन ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको लेने से इसमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं, और यह कैंसर की जो कौन कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जहाँ पर इसको आप लेते हैं तो इसमें आपको इसमें रोकथाम में आपको ये हेल्प करती है। डॉक्टर जे एच क्लार्क, जो कि होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी तरह की कैंसर की अगर हिस्ट्री है या आपको अगर कैंसर की डिजीज़ हुई है, तो ऐसी जो कंडीशन है वहाँ पर आपको कार्सिनोसिनम टू लेने से आपको इसमें बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसके साथ साथ ही आपको कोई भी तरह की दूसरी, अगर मान लीजिए कोई भी ट्यूमर डेवलप हो गया है, उसको या कैंसर में इसको कन्वर्जन में ये रोकने में आपकी मदद करता है कार्सिनोसिनम। दोस्तों, अगर हम बात करें पर्टिकुलर ब्रेस्ट ट्यूमर की, अगर महिलाओं में अगर ब्रेस्ट में अगर उनको अगर कैंसर डेवलप हो गया है, तो उस तरह की जो ट्यूमर्स बन जाते हैं उसकी रोकथाम में काफ़ी हद तक हेल्प करती है कार्सिनोसिनम मेडिसिन। और उसके अलावा भी अगर बॉडी में कहीं पर भी अगर दूसरी जगह पर भी अगर कोई कैंसर डेवलप हो गया है, जैसे कि अगर महिलाओं में अगर बात करें तो उनके अगर ओवरी में है, अगर उनके यूट्रस में कैंसर बन गया है, उसके अलावा भी अगर पुरुष में हो चाहे महिलाओं में हो, अगर उनके लीवर में कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर हो गया है, इसके अलावा अगर उनको पेनक्रियाज में कैंसर है, कहीं अगर यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर बन गया है, यूट्रस में कैंसर बन गया है और कहीं पर भी कैंसर बन गया है, उस तरह की जो कैंसर ग्रोथ को कंट्रोल करने में उसकी रोकथाम में काफ़ी हेल्पफुल होती है कार्सिनोसिनम। इसके अलावा ऐसा कोई सस्पेक्टेड ट्यूमर है जो कि आपको लगता है कि कहीं ये कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी कार्सिनोसिनम इसमें ली जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में यह उसको कैंसर में कन्वर्जन में, कैंसर की रोकथाम में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, या आपको पास्ट में अगर कैंसर हुआ है, तो आपको उस तरह की जो कंडीशन है उसको रिकरेंस को भी यह आपको रोकने में भी काफ़ी हेल्प करता है कार्सिनोसिनम। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर हो जाता है और उसमें से बहुत ज़्यादा फैटी डिस्चार्ज होता है, मवाद निकलता है, इसके अलावा उसमें काफ़ी पेन है, हेमरेज यानी ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन में भी कार्सिनोसिनम काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके साथ साथ ही दोस्तों, अब अगर हम बात करें इसके अंदर दूसरे बेनिफिट्स की, तो इसमें अगर इनडाइजेशन और बहुत ज़्यादा आपको अगर गैस की शिकायत रहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी कार्सिनोसिनम आपको सिम्टम के आधार पर आपको देने से इसमें लाभ होते हैं। दोस्तों, यह तो बात हो गई कि कार्सिनोसिनम कैसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर आपको इसमें दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसके डोजेस की, तो अगर इसमें कार्सिनोसिनम के डोज की बात करें, तो इसमें कंडीशन के हिसाब से आपको इसमें कुछ डोजेज होते हैं जो कि इसमें दिए जाते हैं, और सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर इसमें कुछ मेडिसिन है, इसके जो पोटेंसीज होती है वो डिसाइड की जाती है। यूजली जो पेशेंट्स में मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, वो आपको अगर मान लीजिए कैंसर की, अगर आपको किसी भी तरह जगह का आपको कैंसर है या आपको अगर कैंसर का डाउट है, तो इसमें कार्सिनोसिनम 200 की पोटेंसी जनरली मैं काम में लेता हूँ, और इसको मैं वीकली अपने पेशेंट्स को मैं रिपीट करता हूँ, यानी 7 दिन में केवल एक बार इसको मैं आपको पेशेंट्स को इसमें काम में ली जाती है। इसके अलावा अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या अगर आपको पास्ट में कोई तरह की अगर कैंसर की आपको इसमें हिस्ट्री रही है, तो आपके जो डिजीज़ के जो सिम्टम होते हैं उसके बेसिस पे इसका रिपीटेशन किया जाता है। हो सकता है 15 दिन में एक बार देनी पड़े कार्सिनोसिनम 200 की 3 बूंद, या आपको हो सकता है महीने में एक बार आपको इसकी कार्सिनोसिनम 200 की 3 बूंद आपको रिपीट करनी हो। इस तरह से आपके सिम्टम के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है, इस तरह की जो कंडीशन होती है। दोस्तों, यह इसकी छोटी सी जानकारी थी कार्सिनोसिनम 200 के बारे में, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपके पसंद आई है, आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपके साथ में आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। क्योंकि आपकी जो कैंसर की जैसी जो डिजीज़ होती है, इसमें आपको लोकेशन के हिसाब से आपको किस तरह का कैंसर है उसके हिसाब से डोजेस की जो रिपीटेशन है वो की जाती है, और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि आपकी कंडीशन को देखते हुए दी जाती है, तो आपको इसमें ज़रूर इसमें लाभ होता है। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, हमेशा चिकित्सक की सलाह अनुसार लें, प्रॉपर उनके कंसल्टेशन से मेडिसिन लें, सेल्फ मेडिकेशन से आप बचें। उसको आप नहीं करें सेल्फ मेडिकेशन को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ जो जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।